फरीदाबाद में वोटिंग के दौरान अव्यवस्था देखने को मिली है। व्हीलचेयर की कोई व्यवस्था प्रशासन की तरफ से यहां नहीं की गई थी। बुजुर्गों को वोट करने में भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। बुजुर्गों को गोद में उठाकर परिजन वोटिंग कराने ले जाते हुए आज नजर आए। फरीदाबाद के गांव डीग का ये मामला बताया जा रहा है। फरीदाबाद में वोटिंग के दौरान अव्यवस्था देखने को मिली। हर पोलिंग स्टेशन पर एक व्हीलचेयर का इंतजाम जो है वो किया जाता है, उसे चढ़ाने के लिए बकायदा रैंप भी बनानी होती है, लेकिन यहाँ फरीदाबाद के डीग गांव में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं देखने को मिली और परिजन गोद में उठाकर बुजुर्ग माता को वोटिंग कराते हुए नजर आए। तस्वीर एक तरफ प्रोत्साहित करने वाली है तो दूसरी तरफ चिंता में डालने वाली भी है। अगर ये माता जी वोटिंग करने के लिए नहीं आती तो ऐसा नहीं है कि इन्हें कोई नुकसान हो जाता या इनका स्वास्थ्य सही नहीं चलता या इनकी पेंशन कट जाती। लोकतंत्र के इस पर्व में भागीदारी करने के लिए एक प्रोत्साहन है, एक जज्बा है जिसे लेकर वो यहां पर आई, लेकिन प्रशासन ने बिल्कुल भी सम्मान नहीं किया इस बात का कि उन्हें कम से कम ये मूलभूत व्यवस्थाएं तो वहां पर रखनी ही चाहिए थी। राजेंद्र दहिया हमारे साथ है फोनलाइन पर। राजेंद्र बताइए क्या कुछ अपडेट्स हैं। देखिए बिल्कुल मैं आपको बता दूं, अभी अभी यहाँ पर जिले के जो डीसी हैं और आरओ भी हैं वो जिले के, तो कहीं ना कहीं लगातार बूथों पर प्रैक्टिकली जो है दौरा कर रहे हैं ताकि किसी तरह की कोई भी छिटपिट घटना ना हो। इसको लेकर लगातार प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रहा है और सुबह से ही अधिकारी लगातार दौरा करने पर लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो डीसी है विक्रम सिंह यादव वो लगातार ये तय करने में लगे हुए हैं कि पूरे जिले में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न होंगे और लगातार इस बात को लेकर पूरी निगरानी रखी जा रही है। साफ तौर पर कहें तो लगातार लोगों में भी भारी उत्साह के समय यहाँ देखने को मिल रहा है। लगातार भारी संख्या में महिलाएं और पुरुष अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। राजेंद्र ये व्हीलचेयर की व्यवस्था नहीं है कहीं पर भी, हम देख रहे हैं गोद में उठा उठा के जो है वो परिजन लेकर जा रहे हैं बुजुर्ग महिलाओं को माताओं को वोटिंग कराने के लिए। जी बिल्कुल, कहीं कई ऐसी जगह भी देखने को आई है जहां पर जो बुजुर्ग हैं या फिर दिव्यांग हैं उनके लिए कोई व्यवस्था प्रशासन नहीं कर पाया, लेकिन आगामी जो चुनाव है उसमें जो पूरी तरह से व्यवस्था को दुरुस्त करने का दावेदारी जिले के जो डीसी हैं उनकी तरफ से की जा रही है और कहीं ना कहीं इसके लिए उन्होंने खेद भी प्रकट किया और अधिकारियों को भी अभी आदेश उनकी तरफ से दिए गए हैं ताकि लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी ना आए। डायरेक्ट खुद जनता से भी रूबरू हो रहे हैं और उनसे हालचाल भी पूछ रहे हैं और साथ ही उनसे परेशानी भी पूछ रहे हैं कि किसी तरह की कोई किसी को परेशानी तो नहीं आ रही है। तो कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ी बातें हो जाती हैं और लगातार चुनाव को लेकर जो लोगों में उत्साह है तो कहीं ना कहीं जो महिलाएं हैं वो भी लगातार घूंघट ओढ़ कर जो है घूंघट की आड़ में वोट की चोट करने के लिए मतदानों पर पहुंच रही हैं। जी केशव बहुत शुक्रिया आपका जानकारियों के लिए।